ओके नाउ कैन यू नाउ हियर मी क्या अभी आवाज आ रही है ओके नाउ कैन यू नाउ हियर मी यस नाउ आई कैन हियर माय ओन वॉइस क्या अभी आवाज जितना भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है जितना भी जिंदा चीज़ें इस दुनिया में हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं क्योंकि बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ तो हमें ये पता होना चाहिए जितनी भी लाइफ है वो किस चीज़ की बनी हुई है, तो है बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितना भी जिंदा चीज़ है चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है चाहे वो बैक्टीरिया है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है जिसको हम सेल कहते हैं तो 2021 का सिलेबस मैं सेल के टॉपिक से शुरू करना चाहती थी ताकि आप लोगों को पहले सेल के बारे में पता चले जब सेल के बारे में जानोगे तभी तो बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म के बारे में जानोगे तभी तो ह्यूमन के बारे में जानोगे तभी तो कॉकरोच के बारे में जानोगे तो माय नेम इज़ रितु रतिवाल एंड यू आर विद लेट्स क्रैक नीट यू और आज हम दो के लिए पहला टॉपिक पढ़ेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर में आ, मैं सोच रही हूँ छः से सात आप लोगों का लेक्चर लग जाएगा लेकिन छः सात लेक्चर्स में ये चैप्टर बढ़िया तरीके से तुम्हारा यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं टेलीग्राम पे आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी आपको कहीं भी और सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैम नोट्स कहाँ से मिलेगा मैं तब तक बना भी लूँगी लिख लूँगी और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पर और Uh, अगर इसकी डीपीपीज तब तक बन गई तो मैं आपको डीपीपीज भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है अरे रे इतने दिनों बाद क्लास ले रहे हो सब हिल गया भैया मेरा बोर्ड ओके लेट मी फिगर दिस आउट वेट हियर इट इज हियर इट इज गॉड ओके तो यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एट द रेट ऋतु बायोलॉजी या फिर एट द रेट ऋतु लाइफ ठीक है यहां पर आपको इसके नोट्स और डीपीपीज मिल जाएंगे यदि आप दो हजार इक्कीस की तैयारी करना चाहते हैं आप तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से दो हजार इक्कीस बहुत ही पास आ गया है छः सात महीने रह गए हैं आप कोटा की टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं आप मेरे से बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं एक्सट्रीमली गुड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकेडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पे आपको डेली लाइव क्लास मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं टेस्ट मिलते हैं डीपीपीज मिलती हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पचास से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आपको करना क्या है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है वो तो वैसे भी कर लो क्योंकि फ्री क्लासेस होती हैं बहुत सारी नीट यू सेक्शन पर जाना है आप एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड ऋतु डाल के ठीक है जी यहां से आपको सारी डी प्रोवाइड हो जाएंगी लाइन वाइज सारे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और प्राइस अभी कम है अभी सितंबर अक्टूबर से प्राइस बढ़ जाएगा आप लोगों का अभी तीस हजार का प्राइस है कोड डालोगे दस परसेंट ऑफ हो जाएगा तुम्हारा सत्ताईस हजार थर्टी सिक्स थाउजेंड है अगर कोड डालोगे दस परसेंट थर्टी टू थाउजेंड कोड डालने के बाद रितु कोड डालने के बाद अभी क्या है इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी अपने समय की और पैसे की बर्बादी मत करिए अक्टूबर तक पोस्टपोन मत कीजिए आपको यदि सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लेके पढ़ाई कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं जितना भी जीवित ऑर्गेनिज्म है ठीक है जी उसको अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पिछले साल पढ़ा था जो नया बच्चा है मैं बता देती हूँ भाई भाई प्लीज भाई भाई, भाई। ऐसे मत करो यार मैं ढूंढती रह जाती हूँ ये, रहा। ये नए साल में थोड़ा सा बोर्ड की तकलीफें बढ़ गई हैं रुको ऐसे नहीं यार ऐसे नहीं यार ऐसे मत करो ऐसे मत करो यार मेरे साथ एक मिनट रुको नहीं 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 थैंक थैंक गॉड गॉड सो जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं आर एच विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया सारे जीवित ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम्स में बांट लिया किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम फंजाई किंगडम प्लांटी किंगडम माने जितना भी तुम जिंदा चीजें देख रही हो ये किसी ना किसी इसमें किंगडम में आ जाएंगे ठीक है वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे जाके पढ़ेंगे ठीक है अभी इनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है चाहे कोई ऑर्गेनिज्म चाहे कोई ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया हो सारा बैक्टीरिया मोनेरा में आता है चाहे कोई ऑर्गेनिज्म कोई हो चाहे कोई फंजाई हो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सभी जिंदा चीजों का यह है कि वो सेल से बने होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अप ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप सेल्स जैसे एक घर छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है तुम किससे घर बना रहे हो भैया घर तोड़ के देखोगे तो क्या निकलेगा अंदर से ईंटें निकलेंगी ना वैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि तोड़ के देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो तुम जानोगे कि वो सेल्स से बना हुआ है चाहे बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो उसके पास ज्यादा सेल्स हैं चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो उसके पास कम सेल्स हैं कुछ एक सेल के ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे जितना मोनेरा होता है सारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ठीक है जितना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है सारा का सारा मोनेरा में आता है और प्रोटेस्टा में भी सिंगल सेल्ड आता है ठीक है अब प्रोटेस्टा और मोनेरा में क्या डिफरेंस है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगी इन तीनों में आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल है ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एक सिंगल सेल के साथ जीवित हैं एक ही सेल सारा काम कर रहा है एक ही सेल खाना ढूंढ रहा है एक ही सेल खाना उसको डाइजेस्ट भी कर रहा है एक ही सेल उसको एक्सक्रीट आउट भी कर रहा है जो वेस्ट मटेरियल है ठीक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि यार एक सेल जैसे अपना लगा लो आप मल्टी सेलुलर है ना अपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं ह्यूम के अंदर तो हमारे कुछ सेल्स सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए मदद कर रहे हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सीओ टू को रिमूव करने के लिए मदद कर रहे हैं कुछ सेल्स हैं जो कि चीजों को सर्कुलेट करने के लिए मदद कर रहे हैं जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है सो तो हमारे पास हर चीज का जो फंक्शन है वो डिवाइडेड है लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के पास डिवाइडेड नहीं है उसमें तो सब एक ही सेल करेगा लेकिन सेल सबके पास है चाहे एक सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेल हो अब तुम कहोगे मैम वायरस बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा पर कुछ बच्चों को पता है कि वायरस के पास सेल नहीं होता है नो no सेल तो ये कैसे जिंदा है भैया को हम जिंदा मानते नहीं हम कहते बाढ़ में जाओ दे आर ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग तो जो तुम अभी कोरोना वायरस से डर डर के घरों में छुपे हुए हो ना एक ऐसी चीज ने तुम्हारी जिंदगी हराम की हुई है जो कि लिविंग है भी नहीं ना ही नॉन लिविंग भी नहीं है तो वायरस के बारे में अलग से बात करेंगे बट इट इज एट द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ये तुम्हारे नीट के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि वायरसेस कहां पर आते हैं ठीक है ये तो था सेल का इंट्रोडक्शन आओ थोड़ी सी बात कर लें। अगर सेल के लिए मुझे एक और बात लिखनी हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है वो एक सेल है हालांकि इतना आसान क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा फिर भी भैया अगर चार सेंटेंसेज में से एक सेंटेंस गलत निकालने को आ गया तो ऐसा सेंटेंस डाल सकता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये सेंटेंस कतई कतई ट्रू है मैंने तुम्हें स्क्रीन लेने का टाइम नहीं लिया है एक बार स्क्रीन ले लो इसका कुछ बच्चा बाद में गालिया देता है मुझे मैम स्क्रीन नहीं लेने देती है इसका स्क्रीन ले लेंगे यही चीज एन से पढ़ लें जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है चलो पहले साइंटिस्ट पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं तो अभी अपने को जो जिस पे से मेजर क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में से आ तो बहुत जगह से सकते हैं लेकिन साइंटिस्ट पे क्वेश्चन बन सकता है अपने को याद करना है एक दो तीन चार पाँच छः साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं तो मैं ये तुम्हें एक बॉक्स बना लेते हैं बात शुरू करते हैं सोलह सोलहवीं सदी से ठीक है हंड्रेड की बात है सोच लो आज से चार सौ पांच सौ पहले की बात है ठीक है नीदरलैंड्स में एक साइंटिस्ट था नीदरलैंड्स लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है मैं तो बस स्टोरी सुना रही हूं नीदरलैंड्स में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोन वॉन ल्यू ल्यू वेन हॉक एंटोन वॉन ल्यूवन हक एंटोन वॉन ल्यूक ल्यूविन हॉक वैसे तो एक शॉपकीपर था लेकिन उसका माइक्रोस्कोप में बहुत इंटरेस्ट था और माइक्रोस्कोप अभी नई नई सी बात थी यार माइक्रोस्कोप 1600 सो में कौन माइक्रोस्कोप बनाता था यार बहुत ही पुराने प्रकार के माइक्रोस्कोप पड़े होते थे ठीक है तो उसने अपना एक नया खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और वो इतना इंटरेस्टेड हो गया उस चीज में उसको जो चीज मिलती थी वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेता था उसने पौंड से थोड़ा सा पानी लिया ठीक है उसने पानी की ड्रॉप माइक्रोस्कोप के नीचे देखी तो उसने क्या देखा कि यार यहां पे कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है और ये मूव कर रहा है थोड़ा थोड़ा सा इसने कहा बेटा ठीक है उसने अपने दांत के जो अपने ऊपर प्लाक नहीं जम जाता है तो इसने पॉन्ड वाटर लिया उस पर देखा इसने फिर इसने प्लाक पे देखा दांतों के नीचे जम जाता है और फिर उसमें भी से ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखे ऐसे मूव करते हुए ऑर्गेनिज्म दिखे इसने कहा तो एनिमल्स जैसे दिख रहे हैं। तो इसने इनको नाम दिया एनिमल क्यूल एनिमल क्यूल ठीक है और फिर इसने स्पर्म देख डाले स्पर्मेटोजोआ जुआ देख डाले इसने स्पर्मेटो अरे रे अब इरेजर ढूंढने में कितना समय लगेगा भैया परमेटो ढूंढ डाले ठीक है तो भाई क्रेजी हो गया देख के भाई कहता है उसने अलग अलग सोसाइटीज को साइंटिफिक सोसाइटीज को लेटर्स लिख दिए कि बेटा मैंने देख लिया एनिमल क्यूल ऐसा ऐसा होता है तो इसको हम क्या रिगार्ड करते हैं ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्चुअली सी लिविंग सेल आपको याद रखना है फर्स्ट मैन टू सी लिविंग सेल अब इसको याद कैसे करना है मैं याद करा दूंगी ठीक है इसने देखा क्या इसने देखा बैक्टीरिया और इसने देखा प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम होते हैं दोनों ये देखे पॉन्ड वाटर में प्रोटिस्टा था और बैक्टीरिया भी था ठीक है जी अब कैसे याद रखना हमने लिविंग इसके नाम में है ल्यूविन है ना इसका नाम ल्यूविन तो ल्यूविन से आप याद करेंगे लिविंग इसने फर्स्ट लिविंग सेल देखा था हो जाएगा इसी समय पे 1600 सो के ही इसी सेम सेम से टाइम पे एक और साइंटिस्ट था उसका नाम था रॉबर्ट हुक इसके नाम में ही डेड ऑर्गेनिज्म का नाम है हुक हुक तो डेड ही होगी ना हुक ठीक है तो ये भाई ने क्या किया ये भी बड़ा इंटरेस्टेड था देखने में साइमल्टेनियस ही बात है इसने क्या किया प्लांट का एक पीस लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ठीक है अब जो बच्चों ने अनाटमी पढ़ ली उनको पता है कि कॉर्क एक टिश्यू होता है ठीक है प्लांट टिश्यू होता है अब कॉर्क तुम्हारे दिमाग में हमेशा आता है जो ज़्यादा मॉडर्न बच्चे हैं दारू की बॉटल के ऊपर कॉर्क होता है ठीक है या और कौन से कॉर्क होते हैं यार चीड़ी के पीछे कॉर्क होता है ठीक है तो बेटा ये अपने को एक प्लान टिश्यू है प्लांट से मिलता है तो इसने क्या किया उसकी एक पतली सी लेयर बनाई और उसने उसके नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे देखी तो इसने क्या देखा और इसने लिखा भी यही कि यार मैंने देखे बहुत सारे पोर लाइक -like स्ट्रक्चर्स क्या देखे इसने पोर लाइक दिखाई कहता है ऐसा कुछ इसकी ऐसा बना तो इसने कहा है कैसे दिखते हैं जहां पे मंक्स रहते हैं ना मंक्स मंक्स रहते हैं उनके क्वार्टर्स को लैटिन में सेला कहते हैं सेला या सेल ठीक है तो इसने कहा जैसे के क्वार्टर्स होते हैं ना छोटे छोटे कमरे होते हैं वैसे दिखते हैं यार तो से इनका नाम सेल पड़ गया ठीक है तो रॉबर्ट हुक को क्या हम क्रेडिट देते हैं कि भैया जितना नॉन लिविंग सेल था उसने पहली बार नॉन लिविंग सेल देखा है नाम से पता चल रहा है रॉबर्ट हुक कितना रूखा सूखा सा नाम है ये देखो लिविंग नाम है ए भी ल्यूवन हुक जिंदा जिंदा नाम है इसने लिविंग सेल को देखा इसने किस सेल को देखा कॉर्क सेल को देखा भाई ने किस सेल को देखा बैक्टीरिया और फर्स्ट साइंटिस्ट टू सी लिविंग सेल हो जाएगा ये दो साइंटिस्ट पहली बात याद रखने फिर अगला साइंटिस्ट था जिसने इस सेल के अंदर एक ब्राउनी देखी ब्राउनी खाए हो ठीक है ब्राउनी तो नहीं होती हमारे सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता है तो एक्चुअली न्यूक्लियस डिस्कवर्ड इन सेल्स बाय रॉबर्ट ब्राउन ये एक और है एनसीआरटी में दिया हुआ पर ईयर ER नहीं दिया हुआ ईयर ER ये भी नहीं दिया हुआ ईयर ER ये, ER ये भी याद नहीं करना ईयर ER जो याद करना है मैं तुम्हें लोगों को बता दूंगी ठीक है रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक ब्राउनी देख ली हो जाएगा अब तुम्हें ऐसे इमेजिन थोड़ा सा इमेजिनेशन सेल के अंदर एक ब्राउनी पड़ी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने देखी है है माने न्यूक्लियस जो वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा है अब सोलह सो वाला डब्बा बंद कर दो ठीक है अब आ जाओ अठारह सो वाले डब्बे पे आ जाओ एटीन हंड्रेड वाले डब्बे पे आ जाओ एटीन हंड्रेड वाले डब्बे मतलब वो सोलह सो में चल रहा है सब कुछ अब इससे अराउंड दो सौ साल बाद की बात है दो साइंटिस्ट हुए एक के नाम में ही प्लांट्स हैं, एक के नाम में ही एनिमल्स है तो आपको पता चलना चाहिए कौन सा बॉटनिस्ट है और कौन सा जूलॉजिस्ट है एक बंदे का नाम है मैथियास मैथियास, मैथियासिडन आई होप मैं स्पेलिंग सही लिख रही हूं और एक नंबर का नाम है एक बंदे का नाम है थियोडोर श्वान थियोडोर एस सी एच डब्ल्यू ए एन एन अब देखो रे नाम से बताओ कौन सा बॉटनी वाला बंदा है कौन सा जूलॉजी वाला बंदा है बताओ रे इसके नाम में ही मेथी है मेथी खाते हैं ना आप एक अपनी वेजिटेबल होती है ना मेथी इसके नाम में ही मेथी है मेथी तो ये था जर्मन बॉटनिस्ट जर्मन बॉटनिस्ट था ठीक है और इसके नाम में ही स्वान है स्वान क्या होता है एक बर्ड होता है ना ठीक है जी तो इसके नाम में एनिमल है ये था एक इंग्लिश जुआलॉजिस्ट इंग्लिश जुआलॉजिस्ट 1838 में इसने कहा ये भाई इसको भी बड़ा शौक माइक्रोस्कोप का बड़ा शौक प्लांट्स को देख रहा था यार प्लांट्स के पार्ट्स को देख रहा था माइक्रोस्कोप नीचे अब क्या है, कि 1837 में श्लीडन और जो श्वान है वो पार्टी में मिले डिनर कर रहे थे तो श्लीडन श्वान ने आपस में बात करी। श्वान भी बड़ा इंटरेस्टेड था कि यार किसके बने होते हैं एनिमल्स किसके बने होते हैं ठीक है ठीके? तो ये श्वान भी अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया ये न्यूरॉन्स को देख रहा था नर्व सेल्स को देख रहा था और इसे देखा यार किसी का भी नर्वस सिस्टम देख लूँ मैं नर्व सेल्स को नहीं नर्वस सिस्टम को देख रहा था ये दोबारा लिख लेते हैं नहीं रे नहीं नहीं नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स को स्टडी कर रहा था नहीं रे नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहा था तो इसने देखा यार जिसका नर्वस सिस्टम देखो जिस एनिमल का नर्वस nervous... प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम होता नहीं ना ये तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती जो भी एनिमल का नर्वस सिस्टम स्टडी कर रहा है सब सेल्स से बने हुए तो इसने क्या कहा ऑल एनिमल्स आर मेड ये पार्टी में मिले ठीक है पार्टी में मिले तो इसने बताया थियोडोर ने बताया इसने सॉरी मैथियास ने कहा कि यार मेरे तो प्लांट्स भी सेल्स के बने हुए हैं इसने कहा यार मेरे तो एनिमल्स भी सेल्स के बने हुए हैं फिर क्या है इसने इसका आइडिया चुरा लिया कि लाओ इसने प्लांट्स को भी स्टडी करना शुरू कर दिया फिर इसने कुछ और कंक्लूजन निकाले इसने क्या कंक्लूजन निकाला पहला तो ऑल एनिमल सेल्स आर बाउंड बाय अ में इसे देख जब ये एनिमल सेल्स को पढ़ देख रहा था तो इसने देखा कि यार सारे सेल्स के बाहर ना एक मेम्ब्रेन है जिसको आज हम प्लाज्मा मेमब्रेन कहते हैं नाउ कॉल्ड प्लाज्मा इसने देखा प्लांट और इसने प्लांट सेल्स को भी स्टडी करना शुरू कर दिया फिर इसने कहा कि यार प्लांट्स के पास सेलवॉल होती है एनिमल सेल्स के पास सेलवॉल नहीं होती ठीक है। तो इसने कहा, भाई ने 1839 में अपनी एक बुक पब्लिश कर दी जिसमें उसने पॉइंट्स लिखे ये, कि सारे एनिमल्स भी बने होते हैं सेल्स के और इसका पॉइंट भी ऐड कर दिया इसका पॉइंट भी ऐड कर दिया ये भी कह दिया कि प्लांट सेल्स है उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेंब्रेन कहते हैं और जो प्लांट सेल्स हैं उनके पास सेल्वॉल होती है और भाई को कोई क्रेडिट नहीं दिया जो ये मेथी था मेथी था हमारा मेथी को कोई क्रेडिट नहीं दिया कि भाई मैंने मेथी से जाना कि भैया प्लांट जो भी सेल्स से बने होते हैं नहीं भाई ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया लेकिन हम तो फिर यू you नो know, जस्टिस है है ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं तो हमने जान लिया भैया इसने पहले कहा था इसने बाद में कहा है तो हमने दोनों को क्रेडिट दिया हम क्या कहते हैं कि सेल थ्योरी सेल थ्योरी इज गिवन बाय श्वान उसने 1838 में अपनी बात कही कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स इसने 1839 में अपनी बात कही कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्लांट सेल्स के पास एक, एक एक्स्ट्रा चीज़ है सेल वॉल। ठीक है जी यहाँ से सेल थ्योरी बननी शुरू हुई आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं आपको सेल थ्योरी पढ़ा देती हूँ हो गया स्क्रीनशॉट आगे चलेगा क्या रे मेरा पेज खत्म हो गया बहुत दुखी हूं यार मैं अपनी जिंदगी से कुछ मिल ही नहीं रहा मेरे को मेरे पेजेस खत्म हो गए और नया पेज निकालने का नहीं समझ में आ रहा एरा यहां पे है एक पेज यहां पे लिखेंगे हम साइंटिस्ट ठीक है तो हम बात करेंगे सेल की। सेल थ्योरी थ्योरी की और श्लीडन ने दी और पहला पॉइंट क्या था सेल थ्योरी का ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकता है तुम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स ये पहला पार्ट था सेल थ्योरी का अभी क्या है एक और साइंटिस्ट को चूल मची जर्मन साइंटिस्ट था वो उसका नाम था रॉबर्ट वर्शो चल तो क्या मची भाई अपना काम कर रहा था एक दिन देख रहा था इसने क्या देखा कौन बंदा था 1855 की बात है आ, आ, अच्छा खासा देर की बात है 1855 की बात है रॉबर्ट सॉरी सॉरी यार रूडोल्फ वर्शो देख रहे हो मेमोरी का क्या हो गया है रॉबर्ट वर्शो है रूडोल्फ वर्कशॉप 1855 की बात है कुछ कर रहा होगा भाई साइंटिस्ट है किससे खेलते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से खेलते रहते हैं से देखा यार एक बैक्टीरिया उसकी आंखों के सामने दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया यार अभी अपने को पता है कि ये बाइनरी फिजन नाम का फिनोमिना है जिससे कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है पर उसको तो नहीं पता था ना किसी को भी नहीं पता था उस टाइम तो वो हैरान रह गया उसके होश उड़ गए यार ये क्या हुआ तो उसने सेल थ्योरी का दूसरा पार्ट दिया उसने कहा अपनी ही लैंग्वेज में ओमनिस सेल्यूला e ये रॉबर्ट वर्षा ने कहा जिसका कि हिंदी में या अंग्रेजी में मीनिंग है ऑल सेल्स कम from प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इस प्रकार से हमारी सेल थ्योरी पूरी हुई और तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ तुम्हें जब तुम एवोल्यूशन पढ़ोगे मेरे साथ तो यार ये उस टाइम की बात है 1800 की बात है अभी वाला मॉडर्न जमाना नहीं है आप कहाँ पहुंच गए दो में पहुंच गए ना लगा लो अभी से दो साल पहले की बात है तो उस टाइम ये नहीं पता था कि नए सेल कैसे बनते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं बहुत सारे ह्यूमंस ये कहते थे कि नॉन लिविंग थिंग्स से एकदम से सेल बन जाता है ठीक है बड़े साइंटिस्ट इस चीज को प्रोपोगेट करते थे उस इस थ्योरी को बोलते हैं ए बायोजेनेसिस क्या बोलते हैं ए बायोजेनेसिस जो कि तुम एवोल्यूशन में पढ़ोगे मेरे साथ कुछ बच्चों ने पहले ही पढ़ रखी है ए बायोजेनेसिस ये कहता है कि लिविंग जो सेल्स हैं दे कैन अराइज स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से मिट्टी से सेल बन जाएगा पानी से सेल बन जाएगा इतना मतलब ऊटपटांग लॉजिक था इन लोगों का जो ए साइंटिस्ट था उनमें से उसने क्या किया दौड़ के आया पसीना भरा शर्ट हो गया उसका निकाला शर्ट उसमें कुछ गेहूं का दाना भर के उसने घर के कोने में रख दिया कहता देखो ये नॉन लिविंग चीज है अब मैं इसे लाइफ बना के दिखाऊंगा थोड़े दिन में वहां पे चूहिया के बच्चे थे उसने कहा देखो मेरे पसीने और वीट से चूहिया के बच्चे बन गए तो ये थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस उसको कौन समझाया कि भाई तूने वहाँ वीट रखी थी तो कोई प्रेग्नेंट चूहिया आके वहाँ बच्चे दे गई तो इसका मतलब ये थोड़े भाई कि वीट से चूहे चूहे के बच्चे बने हैं बट उस टाइम्स बहुत सारे लोग एबायोजेनेसिस को मानते थे तो जब रॉबर्ट इसने रूडॉल्फ वर्शो ने कहा ना कि ओमनेस सेलुला ई सेलुला कि यार सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स तो एबायोजेनेसिस वाला लोग माना ही नहीं वो कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं है या हो सकता है दोनों ही हो रहे हैं वो कहते हैं चाहे हो सकता है कि सेल्स से भी सेल्स आ रहे हो और नॉन लिविंग मैटर से भी सेल्स आ रहे हो लेकिन बाद में ये हाइपोथेसिस वो कर दी गई रिफ्यूट कर दी गई एक बंदा था लुई पास्चर फ्रेंच साइंटिस्ट था उसने तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया जो तुम्हें एवोल्यूशन में सिखाऊंगी मैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट उसने स्वान की नेक जैसा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और से ये हमेशा हमेशा के लिए प्रूव कर दिया कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पॉन्टेनियसली नहीं पैदा होते ऐसा नहीं है कि मिट्टी और तुम मंत्र पढ़ोगे और उसमें से बैक्टीरिया उग जाएंगे नहीं बैक्टीरिया होने के लिए पहले से बैक्टीरिया होना जरूरी है उसमें ठीक है सो दिस वॉज द सेल थ्योरी आप लोग नोट कर सकते हैं फिर मैं आगे चलूंगी डन एन पढ़ लेंगे चलो जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ सिर्फ वही मैं आगे एन पढ़ा रही हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ वट इज़ अ सेल ठीक है यहाँ से शुरू करेंगे चैप्टर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है माने किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है एक सिंगल सेल भी जिंदा रह सकता है इसका एग्जाम्पल क्या है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ अपने जिंदा रहने के लिए असेंशियल फंक्शन कर सकता है जैसे फूड लेना फूड को डाइजेस्ट करना अनवॉन्टेड मटीरियल को बाहर फेंकना अपनी रक्षा करना या कम से कम रक्षा करने की कोशिश करना ये असेंशियल फंक्शन है लाइफ के एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग यदि तुम सेल से छोटा कुछ भी लोगे तो इंडिपेंडेंट लिविंग हो ही नहीं सकती जैसे कि वायरस वायरस का सीन क्या है वायरस का सीन इतना सा है यार जब तक वो बाहर रहेगा एयर में वायरस है तो वो मरे के बराबर है ना वो सांस ले रहा है ना उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तुम लोगों को पता है ना तुम्हारा स... नहीं पता तो मैं बता देती हूँ तुम्हारा हर सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तुम्हारा सेल तुम्हारी लाइफ जितनी बायोलॉजी है उतनी केमिस्ट्री भी है कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन होने बिना केमिकल रिएक्शन के तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती यार ए टू बी ए प्लस बी जुड़ के सी बना रहा है या एक्स टूट के वाई जेड बना रहा है चीज़ें जुड़ के बड़ी चीज़ बना रही है बड़ी चीज़ें टूट के छोटी चीज़ें बना रही है सो केमिकल रिएक्शन चल रहा है ठीक है वायरस के अंदर अगर वो हवा में लटका हुआ है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा ना ही वायरस के पास सेल होता ठीक है सो मरे के बराबर है लेकिन वायरस जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर या किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर घुस गया तो वो मेरे सेल्स का इंजाइम्स यूज करके मेरे सेल्स की एनर्जी यूज करके मेरे सेल की मशीनरी यूज़ करके जिंदा की तरह बिहेव करने लगेगा मेरे सेल्स को यूज करके वायरस अपना छोटा छोटा बच्चा बनाएगा ठीक है मेरे सेल्स को यूज करके वायरस अपना जेनेटिक मेकअप रेप्लीकेट करेगा तो so, सोचो यार ऐसा चीज जो जिंदा भी नहीं है वो भी अपने आप को रेप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है है ना तुम समझ सकते हो अब हमारी इतनी आबादी क्यों है हम तो जिंदा है भाई हम तो धड़ाधड़ रेप्लीकेट कर रहे हैं समझ रहे हो पर उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना वायरस इंडिपेंडेंट इस दुनिया से सारे होस्ट हटा दें तो क्या वायरस अकेला जिंदा रह लेगा नहीं रह सकता ना उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए ना जिंदा रहने के लिए तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उसका हैंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये अंडरलाइन कर लेना लाइन क्योंकि आजकल लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन पिक करते क्वेश्चन बनाता है नीट में ए वी ल्यू हॉक जिसके नाम में ही लिविंग है फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ब्राउन ने डिस्कवर कर दिया था इसने

तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले ऑब्जर्व इसने किया था ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में किसने ऑब्जर्व किया था प्लांट्स में भी होती है एनिमल सेल्स में भी होती है देन ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट प्लांट इन प्लांट टिश्यूज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ये भी तुमसे पूछा जा सकता है किसने बताया था कि यार प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होता है और एनिमल्स के पास नहीं होता भाई ने बताया था तीसरी बात श्वान प्रपोज द हाइपोथिस दैट बॉडीज एनिमल्स एंड प्लाट्स आर कम्पोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स ये भाई ने बताया नहीं कि जो प्लांट वाली बातें तो मैंने मैथी से सीखी थी मैथिया से सीखी थी पर कोई बात नहीं भाई ने अपने नाम पे करवा लिया दोनों एनिमल प्लांट मैंने डिस्कवर किया है कि सेल से बनता है क्लीडर एंड श्वान टूगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड थ्योरी ये नहीं बता रही थी कि नए सेल्स कैसे बनते फिर कौन आया भाई

इसका आंसर हम एवोल्यूशन में सीखेंगे कि पहला सेल्स का और तुम्हें पता है फनी बात यह है कि पहला सेल एक्चुअली में भी नॉन लिविंग और थिंग्स से ही आया पहला सेल किससे से बना पता है गैसेस से मीथेन से सी एच फोर से एच टू से इनसे बना है तो फिर तुम कहो मैम ए बायोजेसिस का थ्योरी क्यों तुमने रिजेक्ट किया था कि सेल्स कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स क्योंकि बेटा ए बायोजेनिस का थ्योरी क्या कह रहा है एकदम से जादू मंत्र हुआ और नॉन लिविंग थिंग्स से

सेलुला, सेलुला उसने कहा तो अब अपनी सेल थ्योरी क्या है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ ऑफ सेल्स ये श्लीडन और श्वान की देन है ये वर्षा की देन है हो गया सेल थ्योरी, आगे चलेगा ओवरव्यू ऑफ सेल देखो बेटा दो प्रकार का सेल इस दुनिया में पाया जाता है हालांकि पांच प्रकार की किंगडम इस दुनिया में पाई जाती है मोनेरा प्रोटिस्टा ये मैं बार बार तब तक बताती रहूंगी क्योंकि ये बेसिक्स हैं बायोलॉजी के ये तो आने ही चाहिए है ना 2021 का तैयारी कर रहा है नहीं पता कितना किंगडम है तो नहीं चलेगा ना वो किंगडम का डिटेल भी पढ़ना अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपने को मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटे एल ठीक है ये अपना पांच प्रकार का किंगडम है उसमें दो प्रकार का सेल मिलता है प्रोक्रियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल ये दो बेसिक प्रकार का सेल है जितना प्रोकैरियोटिक सेल है ये मोनेरा नाम की किंगडम में मिलता है मतलब मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आता है सारा एक तो सिंगल सेल्ड है सारा एक तो सिंगल सेल्ड है और इसमें एक पुराने प्रो मतलब पुराना यू मतलब नया पुराने प्रकार का सेल मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल मिलता है बाकी सब में यूकेरियोटिक सेल मिलता है माने प्रोटेस्टा में फंजाई में एनिमलिया में प्लांटी में अब यू यू दो प्रकार के हो सकते हैं सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं जैसे कि सिंगल सेल्ड यू सिंगल सेल्ड होगा प्रोटेस्टा में मैं कह रही थी ना तुम्हें कि प्रोटेस्टा और मोनेरा का डिफरेंस बताऊंगी यही डिफरेंस है मोनेरा में सिंगल सेल परंतु प्रोकैरियोटिक पुराना सेल इसमें सिंगल सेल परंतु यूकेरियोटिक बाकी सब में मल्टी सेलुलर माने सेल्यूलर देख रहे हो मेरी स्पेलिंग है। पंजाई हो गया एनिमलिया हो गया प्लांटी हो गया लिख दू पंजाई एनिमलिया प्लांटे हो गया तो यार जो सबसे पहले सेल बने थे ना जो मैंने बताया तुम्हें कि नॉन लिविंग थिंग्स से सेल बन गया पहला वो प्रो सेल था क्योंकि यार पहले पहले तुम देखो ना कोई भी चीज जब बनती है शुरू शुरू में पहले कंप्यूटर इस रूम से बड़ा कंप्यूटर होता था आज देखो कंप्यूटर इतना सा कंप्यूटर हो जाता है इतना सा तो नहीं होता खैर समझ जाओ तो व्हील पहले कैसा था आप व्हील देखो कैसा है हर चीज एडवांस होता है वैसे ही नेचर ने पहले एक सिंपल मॉडल ऑफ सेल बनाया जिसको हमने प्रो सेल बोला तो ये हमारा प्रो सेल है ठीक है और एक एडवांस्ड मॉडल ऑफ सेल धीरे धीरे प्रो सेल से बना जिसको हमने यू क्रियोटिक सेल बोला एक्चुअली ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं है क्योंकि प्रो जो सेल्स थे वो बहुत छोटू थे नीन्नू थे और जो यू क्रियोटिक सेल्स थे उनका साइज बहुत बड़ा था टेन टाइम्स से भी ज्यादा बड़ा साइज है एक एवरेज प्रो और एक, -एक यू क्रियोटिक सेल में डिफरेंस जो है परंतु यहां मैं बना दिया तो बना दिया कोई बात नहीं दिक्कत नहीं है देखो अगर मैं किसी भी यूकीोटिक सेल की बात करूं ठीक है प्लांट सेल एनिमल सेल कोई भी बात कर सकते हैं तो हम बेसिक्स इतना सीख के आए हैं कि यार अपने सेल्स में डीएनए होता है है ना हर सेल के अंदर डीएनए होता है कुछ बच्चों को नहीं पता डीएनए क्या होता है धीरे धीरे सीखोगे तो हम ये सीखते हैं कि यार इसके अंदर एक मास्टर ऑर्गन होता है यहाँ पे ऑर्गेनेली होती है डबल मेम्ब्रेन से बाउंड जिसके अंदर हमारा डीएनए बाउंड होता है है ना इसे आप न्यूक्लियस कहते हैं ये तो आप पढ़ लेते हैं एट्थ नाइन्थ सेवेंथ में पढ़ लेते हैं कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं ना ऐसे बनाते हैं कि यार ये क्रोमोजोम होते हैं। कोई बात नहीं ये भी सीखेंगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे क्रोमोजोम किससे बने होते हैं एक धागे से बने होते हैं एक पतला सा धागा होता है जिसे डीएनए कहते हैं डीएनए को लपेट लपेट के क्रोमोजोम बने होते हैं ठीक है फिर हम कहते हैं कि यू क्रियोटिक सेल में अंदर बहुत साले सारे साले सॉरी सॉरी अंदर बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं ऑर्गेनलीज मतलब सेल के यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है सेमी सॉलिड लिक्विड नहीं सेमी सॉलिड सा मटेरियल भरा हुआ है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्लाज्म न्यूक्लियो प्लाज्म न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्म को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म तो ये जो सेमी सॉलिड सा लूइड है ना साइटोप्लाज्म लिक्विड लिक्विड सा सेमी सॉलिड सा लुलइड है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनलीज तैर रहे होते हैं और वो ऑर्गेनलीज एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं बाउंड होते हैं मतलब बंद होते हैं मेम्ब्रेन से बाउंड होने का मतलब क्या है जैसे बलून है बलून के अंदर वाटर है तो वो जैसे बलून की लेयर है ना तो वो मेम्ब्रेन है ठीक है वो मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी तो ऐसे मेंब्रेन से बंधे हुए बड़े सारे ऑर्गेनलीज होते हैं यहां पे उनमें से कुछ का मैं तुम्हें नाम बता देती हूं जो तुम आगे जाके डिटेल में सीखोगे जैसे कि न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेंब्रेन है ना वो ऐसे कॉन्टिन्यू हो जाती है बच्चों ऐसे कॉन्टिन्यू हो जाती है ठीक है और यहां से एक ऑर्गेनली को जन्म देती है इस तरीके से ऐसे एक ऑर्गेनली को जन्म देती है ठीक है न्यूक्लियस की मेब्रेन बाहर से इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ई e आर लिख रही हूं छोटे में कुछ बच्चों के तो सांसे रुक गई होंगी नाम सुन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परंतु इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसका फंक्शन मैं तुम्हें बताऊंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में एक ऑर्गेनली जैसे शर्माती हुई दुल्हन होती है ना जैसे शर्माती हुई दुल्हन होती है ऐसे पीठ मोड़ के ऐसे बैठती है वैसे ही एक ऑर्गेनली इसके पास ही रहती है लेकिन इसे पीठ मोड़ के बैठती है हमेशा ऐसे समझ लो ऐसे कमर इसकी तरफ ऐसे मोड़ के ऐसे बैठती है हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पड़ी होती है इसे कहते हैं गॉल्जी अपरेटस ठीक है ये सब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन से बंद है मेम्ब्रेन क्या है बेटा सिखाऊंगी तुम लोगों को लिपिड होते हैं ना तेल घी लिपिड होते हैं जैसे ऐसे तेल से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है इनकी लिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है ठीक है सिखाऊंगी लिपिड से बनी हुई तुम लोगों को देन और भी बहुत सारे ऑर्गेनलीज पड़े होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेल के लिए जैसे कि यहां पे डबल मेम्ब्रेन से बाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ठीक है यहां पे कोई और ऑर्गेनली है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं तो इस प्रकार से बहुत सारे मेम्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एक प्रो यूकेरटिक सेल में पड़े होते हैं जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे यूकेरटिक सेल के बाहर सेल वॉल हो भी सकती है सेल वॉल नहीं भी हो सकती सेल वॉल एक तगड़ा सा जैसे यार एक बलून है उसकी एक तो पतली सी मेब्रेन है उसके बाहर तुम सीमेंट की एक लेयर इकट्ठी कर दो ताकि बलून को कोई फोड़ ना सके तो उस सीमेंट की जो वॉल है उसको सेल वॉल कहेंगे सीमेंट की नहीं बनी होती ऑफकोर्स तो यूकैरियोटिक सेल के बाहर सेल वॉल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है तो डिपेंड करता है यार जैसे प्रोटिस्टा में कईयों में होती है कई में नहीं होती लर्न कराऊंगी मैं तुम्हें किस में होती है किस में नहीं होती है फंजाई में होती है काइटिन की बनी हुई एनिमलिया में नहीं होती अपने अंदर कोई सेल वॉल नहीं है एनिमल्स के अंदर बताओ इतने हम तगड़े स्ट्रोंग और हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है सेलोस की ये पास सीखेंगे तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती सारे मोनरन्स के पास एक सेल वॉल होती है जो एक कंपाउंड की बनी होती है जिसे पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं ये अपन बायोमोलिक्यूल्स में सब सीखेंगे तो प्रोक्रियोट सेल खुश हो गया कि देख मेरे पास तो सबके पास सेल वॉल है तुम्हारे पास तो है भी नहीं पर इसके अंदर आओ बेटा ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बाहर से कोई आलिशान घर है और अंदर कुछ भी नहीं है खाली बिना फर्नीचर के इसके पास नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कोई भी मेम्ब्रेन से बंद ऑर्गेनली नहीं मिलेगी इसके पास माने ना इसके पास न्यूक्लियस मिलेगा ना इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा ना इसके पास एपरेटस ना माइटोकॉन्ड्रिया ना क्लोरोप्लास्ट लिख दो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यार ये तो बहुत बुरा हो गया तो इसका डीएनए कैसे पड़ा होगा मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को इसका डीएनए कैसे पड़ा होगा देखो एक तो पहली बात इसका क्रोमोसोम हमारा क्रोमोसोम में बहुत फर्क है हमारा क्रोमोसोम कैसा है रॉड की तरह सीधा खड़ा हुआ है इसका क्रोमोसोम गोल है ये इसका क्रोमोसोम है ऐसे डीएनए के डबल उसका डबल धागे का डीएनए का ये इसका क्रोमोजोम है तो इसको आप बोलते हैं सर्कुलर क्रोमोजोम तो पहली बात तो इसका क्रोमोजोम कितना अलग है यार ऊपर से न्यूक्लियस का कोई कवर नहीं है समझ रहे हो एक तो इसका क्रोमोजोम का शेप अलग गोल क्रोम ऊपर से न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन का बना हुआ है ना मेम्ब्रेन तो इसके अंदर है ही नहीं है तो फिर क्या मैडम ये खाली है पूरा सब खाली है जब कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है तो कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज नहीं कह सकते जिनको हम जैसे कि यहां पे एक ऑर्गेनली होती है और यहां पे भी होती है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं राइबोसोम कहते हैं राइबोसोम कुछ ऐसे बर्गर जैसे नजर आते हैं जैसे बर्गर होता है ना एक ऊपर से एक नीचे से और राइबोजोम बोलते तो यहां पे भी राइबोसोम है और यहां पे भी राइबोसोम है तो अभी तो हमने कहा था कोई मेमब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होनी चाहिए बेटा राइबोसोम्स राइबोजोम बाउंड ऑर्गेनली होती नहीं है तो फिर मैडम राइबोसोम क्या होता है आरएनए का नाम सुने हो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है एक आरएनए न्यूक्लिक एसिड है तो एक प्रकार का आरएनए होता है जो फोल्ड करके राइबोसोम बना देता है राइबोसोम कुछ नहीं है एक प्रकार का आरएनए है जो ऐसे फोल्ड हो गया है उसने राइबोसोम बना दिया और साथ में कुछ प्रोटीन है दे दे गया एक प्रोटीन है यहाँ पे बीच बीच में प्रोटीन है समझ रहे हो तो बस प्रोटीन और आरएनए मिलके राइबोसोम बन गया है प्रोटीन अरे मैंने बहुत गंदा लिख दिया बट आई होप आपको समझ में आ रहा है ठीक है तो राइबोसोम के ऊपर कोई कवर नहीं है लिपिड की मेमब्रेन का तेल की मेमब्रेन का कोई कवर नहीं है तो राइबोसोम तो बाउंड ऑर्गेनली है ही नहीं ना तो राइबोसोम तो हो सकता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में क्या कॉमन चीज मिल सकती है आपको राइबोसोम आपको कॉमन मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नीट में ठीक है देन कुछ चीजें इसके पास है वो इसके पास नहीं है तो ये कहेगा ए है ज्यादा हीरोइन बन रहे थे हैं कुछ चीजें तो मेरे पास भी हैं जो तुम्हारे पास नहीं है ये हम कल की क्लास में बात करेंगे कि इसके पास क्या है ऐसा जो इसके पास नहीं है कल की क्लास में हम प्रोक्रियोटिक सेल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये खाली नहीं है भैया बहुत जनसंख्या है यहां पे और ये चीजें हम पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन आया था इस बार प्रोक्रियोटिक सेल पे नीट 2020 में क्वेश्चन आया था तो आप कल की क्लास तीन बजे अटेंड करेंगे लेकिन उससे पहले जो हमने अभी सीखा है वो हम एक बार एन से पढ़ लेंगे आप 2021 की तैयारी करना चाहते हैं यदि मेरे साथ पूरे नोट्स के साथ डी के साथ और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हमारे पास आप किसी के साथ भी तैयारी कर सकते हैं हमारे पास टीम्स ही टीम्स हैं जितना नीट यूजी में टीचर्स पढ़ा रहा है आप किसी से भी पढ़ सकते हैं फुल सिलेबस जितना अनअकेडमी में जितना भी बायोलॉजी का टीचर है या बायोलॉजी का नहीं सिर्फ नीट कैटेगरी का टीचर है चाहे वो किसी भी चैनल पे पढ़ा रहा हो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं हमारे पास अमेजिंग बैच कोर्सेज हैं जहां पे तीन तीन टीचर्स ने कंबाइन किया हुआ है और बैचेस बनाए हुए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ठीक है किसी से भी आप लोग पढ़ सकते हैं नीट 2021 के लिए हर एक बंदे को बेनिफिशियल होगा ये और आप अक्टूबर आने से पहले मुझे नहीं पता अक्टूबर में कब प्राइसेस बढ़ रहे हैं आप ले सकते हैं और आप ऋतु कोड डाल के ले सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन इससे आपको मतलब डीपीपीज ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स देंगे पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी हैंड रिटन नोट्स ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स देंगे पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी हर टीचर अपने तरीके से पढ़ा रहा है तो हो सकता है वो कुछ ऐसा प्रोवाइड करें जो मैं ना प्रोवाइड कर रही हूँ पर मैं आपको बता देती हूँ मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगी तो मेरा एम ये है कि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए दो के लिए और एक आपका रिविजन बैच में चला सकूँ हालांकि टाइम बहुत कम है ग्यारह महीने सॉरी सात महीने रह गए सर एक रिविजन बैच में चाहती हूँ जिसमें बहुत फास्ट वन डे वन चैप्टर जैसा कुछ रिविजन करा सकूँ मैं वहाँ पे ठीक है चलिए शुरू करते हैं अच्छा एक और चीज यदि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन है टाइन एट डबल सेवन फोर टू सिक्स एट डबल वन नाइन एट डबल सेवन फोर टू सिक्स एट डबल वन ये मेरी हेल्पलाइन है सिर्फ मेरे से रिलेटेड आप इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे नोट्स के लिए और वैसे भी जितनी भी अपडेट्स हैं सबके लिए ऋतु बायोलॉजी लाइफ ठीक है पढ़ते माइक्रोस्कोप ये तुम छोटी क्लासेस में करते हो गए ए खुरच, खुरच के नहीं करते थे आप लेट एस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर द ऑनियन सेल मतलब कि प्लांट सेल की बात हो रही है विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉलोस की बनी हुई

ठीक है ऑफ द सेल इन साइड इच सेल इज अ डेंस मेब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस ठीक है यू सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम विच टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल डीएनए ठीक है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम क्रोमोजोम के अंदर डीएनए ये बात हो गई है सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड आर कॉल्ड है सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं जैसे कि न्यूक्लिया

True false. Cytoplasm is the main arena where all the chemical activities and main activities of the cell takes place. Chai, whether plant or animal or bacteria ho true statement. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. Chemical reaction is chal raha. da 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 da. Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles, like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome. परसों पढ़ाऊंगी कल तो प्रोक्रियोटिक सेल पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज वैक्यूल्स द प्रोक्रियोटिक सेल्स बाउंड ऑर्गेनलीज राइबोसोम्स आर नॉन मेंब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ठीक है जी ये क्वेश्चन बन सकता है आपका नीट में कौन है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड इन ऑल सेल्स हालांकि यूकैरियोट और प्रोक्रियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस है क्या कल बताऊंगी Within the cell, ribosomes were found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. ye ek bahut interesting concept। Chloroplast और mitochondria के अंदर भी ribosomes मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? तो मैं एक concept समझाती हूँ। Concept का नाम है endosymbiotic theory। Generally हम evolution में पढ़ते हैं। बट बायोलॉजी के बेसिक्स हैं कहीं भी सीख लो एवोल्यूशन में सीख लो यहां सीख लो बात तो एक ही है थ्यूरी का नाम है एंडो सिंबायोटिक एंडो सिंबायटिक थ्यूरी ये थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है देखो हमारे पास बहुत थ्योरीज है ज़िंदगी में बायोलॉजी में आप थ्योरीज पढ़ेंगे कि पहला सेल कैसे बना लाइफ कैसे बनी अर्थ पे सब थ्योरीज पढ़ेंगे एवोल्यूशन कैसे हुआ इतना सारा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया सब थ्योरीज पढ़ेंगे तो इसके लिए भी एक थ्योरी है कि प्रो सेल से यू सेल कैसे बनाए कैसे बना आंसर है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंदर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहता है कि एक सेल था ठीक है सेल सेल्स को खाते हैं क्यों यार न्यूट्रिशन तो चाहिए ना तो जरूरत अब सब तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते ना मैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं करती ना धूप में अपना खाना खुद बना लूंगी हम में से कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते भी आप प्लांट्स खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं एनिमल खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं आप तो एक बार इसने एक छोटे सेल को खा लिया हजम कर लिया इसको हजम तो क्या कर लिया अपनी इसकी बॉडी में इंसर्ट हो गया कहता आ जा बेटा तो हुआ क्या कि इस बड़े सेल के अंदर ये छोटा सेल चला गया अब ये इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करने लगा बड़ा सेल छोटे सेल को डाइजेस्ट करने की कोशिश करने लगा छोटे सेल ने कहा नहीं मरूंगा कहता आई विल गिव यू बेनिफिट एंड आई विल बी पार्ट ऑफ यू जैसे पहले हिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते थे ना कि एक बड़ा राजा छोटे राजा के ऊपर कब्जा कर लेता था छोटा राजा कहता था कि मुझे इंडिपेंडेंट किंगडम रहने दो लेकिन मैं तुम्हें टैक्सेस देता रहूंगा तो बड़ा रजत कहता ठीक है मुझे इतना टैक्स चाहिए मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट किंगडम रहने दूंगा ऐसा करके इसने कुछ नेगोशिएट किया तो इसने कहा कि तेरे पास क्या है मुझे देने के लिए हु हा हाँसी की आवाज़ पीछे से खुद इमेजिन कर लो क्या है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए तो इसने कहा मैं सूरज की रोशनी से खाना बना सकता है मैं मान लो ये फोटोसिंथेटिक सेल था मैं सूरज की रोशनी से खाना बना सकता है तो मैं खाना बनाएगा आंसुओं के साथ इमेजिन आंसू ऑल्सो मैं खाना बनाएगा खुद के लिए भी और तेरे को भी देगा ठीक है ये कहता है ओके तू आज से मेरे साथ ही रहेगा इन दोनों में इतनी जुगलबंदी हुई इसको क्या फायदा हुआ छोटे वाले को क्या फायदा हुआ एक तो इसकी जान बच गई दूसरा अब इसको कोई और सेल खाने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि ये छोटा सा था इसको तो हर कोई खाने की कोशिश करता था अब इसको प्रोटेक्शन मिल गई बड़े सेल के अंदर तो इसका भी फायदा हो गया इसका भी फायदा हो गया आगे जाके ये सेल क्लोरोप्लास्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये सेल सेल बन गया, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के पास ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है सिमिलरली कुछ स्टोरी माइटोकॉन्ड्रिया की है माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल था वो नॉन फोटोसिंथेटिक था माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस नहीं करता माइटोकॉन्ड्रिया का रोल कुछ और है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगी धीरे धीरे तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बना अब क्या है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो कभी सेल था ना खुद तो क्लोरोप्लास्ट अपना सेपरेट राइबोसोम लेके घूमता है कि प्लीज मैं किसी के साथ टॉवल शेयर नहीं करता ना ही सोप तो वैसे ही मैं अपना राइबोसोम शेयर नहीं करता मेरे पास अपना खुद का है तो ये दो ऑर्गेनलीज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनलीज हैं। इन्हें कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली सेमी मतलब आधा ऑटोनोमस मतलब खुद का साम्राज्य होना ठीक है सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज माने ये कुछ तो सेल के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन खुद ये कुछ अपना फंक्शन खुद भी करना जानते हैं प्लीज जैसे छोटे बच्चे सेमी ऑटोनोमस होते हैं ना एक सात आठ साल का दस साल का बच्चा सेमी ऑटोनोमस होता है उसे पता है खाना खाना है उसे पता है कपड़ा चेंज करना है उसे पता है नहाना है लेकिन वो पैसे नहीं कमा सकता पैसा बाप देगा है ना तो सेमी ऑटोनोमस हो गया ना छोटा बच्चा सो so, जब आप बड़े हो जाते हैं जैसे अभी तुम तो नहीं हो तुम भी सेमी ऑटोनोमस खुश मत हो ज्यादा ठीक है मैं हूं कंप्लीटली ऑटोनोमस ठीक है मां बाप से पैसा नहीं लेने का सो so, इनके पास कुछ कुछ अपना सामान है कुछ कुछ ये प्लांट्स जो जो सेल है उससे लेंगे क्या क्या सामान है इनके पास अपना राइबोसोम है और इनका राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम अलग अलग है क्योंकि इनके पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इसके पास यूकैरियोटिक राइबोसोम है दोनों में डिफरेंस है दिखाऊंगी ठीक है देन इनके पास अपना ओन डीएनए खुद का डीएनए रहता है इनका सर्कुलर डीएनए क्योंकि इनका क्रोमोसोम तो सर्कुलर था ना खुद ए सर्कुलर डीएनए के पीसीज रहते हैं इनके पास अपना देन ओन राइबोसोम समझ रहे हो तो ये सेमी ऑटोनोमस हैं लिखो इसको लिखो सॉरी नोट कर लो इसको एक बार हाँ हाँ एक बच्चा कह रहा है कि मैडम जो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया था उसको पढ़ा दो वो रह गया है मैं तुम लोगों की दिल की भावनाएं समझ रही हूँ जो पहले नहीं पढ़ाया था वो मैं पढ़ा दूंगी पहले ठीक है आप चिंता मत करो ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ पढ़ाने के बाद उनका नंबर आएगा जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया था पहले क्या क्या नहीं पढ़ाया था एक आधा प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है रहता है जो जो मैंने 2020 के बच्चे को नहीं पढ़ाया था और कुछ इकोलॉजी के चैप्टर्स रहते हैं प्लस टू के लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बेसिक्स बना दूंगी तो वो बच्चा भी समझ पाएगा जो 2021 का नया बच्चा है तो कुछ बेसिक से चैप्टर्स तो अपने को कर लेने चाहिए ना सेल क्या होता है डीएनए क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है क्रोमोजोम क्या होता है क्रोमेटिन क्या होता है ये तो बेसिक बातें हैं यार ये तो पता होनी चाहिए ना उसके बाद मैं पहले तुम लोगों को इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी बढ़िया रख रख के सही से करा दूंगी चिंता मत करो तुम लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट मेरे दिमाग में है पहले से ही ठीक है चिंता मत करो ये नोट कर लिया इधर आओ वापस अभी बात चल रही थी हम्म hmm, बात चल रही थी कौन सी बात चल रही थी हम्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनलीज राइबोजोम आपको टू ऑर्गेनलीज के अंदर भी मिलता है क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर ER पे भी मिलता है ये परसों समझाऊंगी ठीक है एनिमल सेल्स कंटेन एन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प इन सेल डिविजन सेंट्रूल भी समझाऊंगी प्लांट्स के पास सेंट्र्यूल नहीं होता एनिमल के पास सेंट्रुल होता है ठीक है जी सेंट्र्यूल का क्या सिस्टम है वो भी समझाऊंगी सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल इस पर क्वेश्चन आ चुका है पहले भी नीट में और अभी कराऊंगी मैं तुम लोगों को चिंता मत करो जब बायोलॉजिकल क्लासपरेशन दोबारा से कराऊंगी सबसे छोटे सेल्स मोनेरा में पाए जाते हैं प्रोक्रियोटिक सेल मैंने कहा था छोटा होता है लेकिन प्रो सेल के पास सेलवॉल होता है किसका अभी बताया था पेप्टिडोग्लाइकन या नाम के सब्सटेंस का होता है अभी इसको नंगा कर दो इसका सेलवॉल हटा दो सिर्फ एक प्रो सेल जिसमें सेलवॉल नहीं है एक ही सेल है ऐसा एक ही प्रकार का सेल है एक प्रो सेल जिसके पास सेलवॉल नहीं है उसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं या इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ रॉक का एजेंट होता है ना कोडनेम वैसे इसका भी कोडनेम है पी -पी प्लूरो, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का ही नाम है ये नीट में वायरस इज नॉट अ सेल पीपीएलओ और माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल कितना बच्चा इतना सिंपल क्वेश्चन गलत करके आता है तो जो मैं बात कह रही हूँ ना ये क्वेश्चन आ सकता है उसको स्टार बना लो ठीक है कितना होता है ये पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर इन लेंथ वाइल बैक्टीरिया ये वैसे ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं बट फिर भी जो एनसीआरटी का डेटा है वो जानना है बैक्टीरिया हो सकता है थ्री टू फाइव माइक्रोमीटर सेल वॉल है ना द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एन ऑस्ट्रेज ये भी आ सकता है तुमको जान के बहुत खुशी होगी कि जो एग होता है चाहे वो किसी भी बर्ड का एग है किसी भी एनिमल का एग है इट इज एक्चुअली अ सिंगल सेल ठीक है फिर एग के अंदर जो डेवलपमेंट होता है बेबी का डेवलपमेंट होता है वो एक अलग चीज़ है पहले वो सिंगल सेल होता है सब ठीक है तो एग ऑन ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच का एग कितना बड़ा होता है मैंने पता है ना इतना बड़ा एग होता है इतना बड़ा एक बार मैंने देखा था एग पका रहे थे ऑस्ट्रिच का इतना तो बड़ा एग था लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है

देन सेल्स की बड़ी सारी शेप हो सकती है दे मे बी लाइक पॉलीगोनल कॉलमनर क्यूबॉइडल फलाना फलाना शेप द सेल ऑफ द शेप विद द फंक्शन दे परफॉर्म अभी क्या है मैं तुम्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी वो तुम्हें सेल्स के बारे में आता जाएगा आरबीसी का शेप बाई कनकेव होता है बाय कनकेव समझते हो एक बलून लो बलून को इधर से भी पंच मार दो इधर से भी पंच मार दो तो कुछ ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे ऐसे गड्ढा नजर आएगा बलून में जहां तुमने पंच मारा था अगर साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ नजर आएगा डंबल शेप इधर भी पंच मार दिया इधर भी पंच मार दिया इसको बोलते हैं बायकन केव शेप ऐसा आरबीसी का शेप होता है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता बेचारा न्यूक्लियस की कमी की वजह से ऐसे पिचक गया है क्यों नहीं होता न्यूक्लियस इसके अंदर क्यों नहीं होता इसको ना बहुत सारा ऑक्सीजन कैरी करना आरबीसी है जो पकड़ के ऑक्सीजन को तुम्हारी बॉडी में अलग अलग जगह तक लेके जाता है तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इसको एक पिगमेंट चाहिए होता है पिगमेंट है हीमोग्लोबिन तो ये इतना हीमोग्लोबिन भर लेता है अपने अंदर कि न्यूक्लियस रखने की जगह नहीं होती तो न्यूक्लियस थूक देता है बाहर ये बिल्कुल ऐसा है कोई बंदा ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी फैमिली लाइफ बर्बाद कर लेता है ना बीवी बच्चे का ध्यान नहीं रखता फिर डाइवोर्स हो जाता है सिर्फ पैसा पैसा रह गया बीवी बच्चा चला गया ऐसा है आरबीसी का हाल न्यूक्लियस चला गया सिर्फ हीमोग्लोबिन रह गया तो मुझे बताओ आरबीसी लिविंग है कि नॉन लिविंग है जब न्यूक्लियस ही नहीं है इसी टे डेड सेल लिविंग और डेड सेल

Cell, long and सिखाएंगे जब आएगा. Nerve cell सिखाएंगे. और आप मुझे माफ कर देंगे इतना लेट शुरू करने के लिए दो हजार इक्कीस का सिलेबस एंड आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी ठीक है जब भी मैं क्लास नहीं लेती तुम लोगों को लगता है कि मैडम मज़े मार रही है हमारा कुछ नहीं सोचती ऐसा नहीं है खुद बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होती हूँ उस टाइम पे मैं जब तुम्हारी क्लास नहीं ले पाती और बहुत आ, मिस करने से ज़्यादा तुम्हारी क्लास मिस करने से ज्यादा मैं आ, गिल्टी फील करती हूँ कि इतना सारा बच्चा जो मेरी टीचिंग से कुछ सीखना चाहता है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अच्छी एजुकेशन पे सबका अधिकार है और अगर आ, किसी बच्चे को वो एजुकेशन नहीं मिल रही जो वो चाह रहा है ठीक है और मेरी वजह से नहीं मिल रही तो मतलब मेरी बहुत बड़ी फॉल्ट है उसमें पर बिलीव मी जब मैं क्लास नहीं ले पाती तभी क्लास नहीं लेती हूँ ठीक है और पूरी कोशिश करूंगी मैं कि रेगुलरली तुम लोगों की क्लास लगे और मैक्सिमम चैप्टर्स मैं यहाँ पे कवर करा दूँ मेरे साथ साथ कवर करोगे तो इजीली तुम्हारे कवर हो जाएंगे चैप्टर मैक्सिमम कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के डी प्रोवाइड कर दूँ ठीक है पहले ये भी सोचा था कि सिर्फ प्लस के बच्चों को डी प्रोवाइड की जाएंगी फिर आ, बहुत सोचा बहुत सोचा फिर सोचा कि यार एजुकेशन पर कैसा पैसा तो कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी डीपीपीज बना दूँ इन डीपीपीज में कोशिश करूंगी ट्विस्टेड क्वेश्चन मतलब में हो। इतने एक चैप्टर में से 100 दो 200, -200 क्वेश्चन बनवा दूं सब एनसीआर से इतना प्रैक्टिस करोगे यार कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी तुम्हारी डीपीपीज बन के तैयार हो जाएं डीपीपीज आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी एट द रेट रितु बायोलॉजी और ऋतु बायोलॉजी लिंक है ठीक है और हैंड रिटन नोट्स बनाने में थोड़ा समय लगता है जितने मैंने बना चुके हैं वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूं जो मैंने 2020 के बच्चों के लिए बनाए थे और जो 2021 के बच्चों के लिए बनाऊंगी जैसे अभी सेल वाले का बनाना है तो जैसे ही बनाऊंगी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ताकि किसी बच्चे को नोट्स के लिए दर दर भटकना ना पड़े कोई बुक मतलो, मतलो, मत लो ट्रूमैन मत लो मॉड्यूल्स मत लो कुछ मत लो सिर्फ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए तो ले लो नहीं तो सब एनसीआरटी से आ रहा है यार आसान पेपर आता है दिमाग मत खराब करो अपना बायो को कम समय दो लेकिन सोच समझ के समय दो कहां पे समय लगाना है ठीक है सिर्फ एक टीचर पकड़ो उससे पढ़ो ठीक है नोट्स अगर तुम्हें हैंड रिटन मिल रहे हैं अपने नोट्स खुद बनाओ लेकिन टीचर के हैंड रिटन नोट्स देख के और फिर अपना इनपुट डाल के उसको फिर बनाओ डी पी में दे दूंगी और उसके साथ में कोई बुक भी ले लो प्रैक्टिस करने के लिए एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत आउट ऑफ तो सिलेबस प्रैक्टिस करो रोज के 50 टू 70 क्वेश्चन अगर बायोलॉजी के प्रैक्टिस करोगे मेरी बात सुन लो बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है तुम्हें तो लगता हो कि क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के क्लियर हो जाएगा नहीं होगा रोज के यदि 50 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब नीट 2021 क्रैक कर पाओगे इस बार कितना एग्जाम्पल मैंने देखा जो बच्चा कुछ तो बच्चे जो थ्योरी भी नहीं पढ़ा वो तो उनकी तो बात ही छोड़ दो जो बच्चा सिर्फ थ्योरी पढ़ा एक दो बार और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा अच्छे से उनका भी 300 से ऊपर मार्क्स नहीं जा रहा है जो बच्चा थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस किया उनका 340 टच कर रहा है ठीक है सो क्वेश्चन रोज 50 से 70 क्वेश्चन तुमने रोज बायोलॉजी की प्रैक्टिस करने फिजिक्स केमिस्ट्री के अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर से बात करो यदि और मुझसे और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो और ज़्यादा क्लासेस लेना चाहते हो ठीक है प्लस पे रोज़ मेरी डेढ़ घंटे की क्लास होती है आप रोज़ मुझसे क्लासेस लेना चाहते हो रोज मुझसे बात करना चाहते हो क्योंकि ये तो बात होती है टीचर से आप जितना कॉन्टैक्ट में आते हो आपका स्कोर ये भी मैंने ओवर द ईयस देखा है जो बच्चा टीचर से जितने कॉन्टैक्ट में रहता है जितनी बातें करता है क्लास में जितना पार्टिसिपेट करता है जितना पढ़ के आता है हंसी मजाक करता है क्लास में ठीक है प्लस पर आप हंसी मजाक कर सकते हो क्योंकि वहाँ मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ तो आप जितना कॉन्टैक्ट में रहते हो किसी भी टीचर के रह लो कोई भी मेरे ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है किसी भी अच्छे टीचर के कॉन्टैक्ट में रहोगे तो तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा ठीक है तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो ऋतु कोड यूज़ करके ठीक है जी कोई क्वेरी है तो नाइन एट डबल सेवन फोर टू सिक्स एट डबल वन पे कॉन्टैक्ट कर लेना कल तीन बजे मिलूंगी प्रोक्रियोटिक सेल पढ़ेंगे थैंक यू सो मच बाय बाय